हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली अच्छे खासा क्वेश्चन यहाँ से आता है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लें आप, BPSC, UPSC, PCS, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें इंडिया में जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, तो ओरिजिनली हमारे यहाँ दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस था, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। बाद में फिर ऐड किया गया थर्ड लेवल गवर्नेंस का, जिसे कहा गया लोकल गवर्नमेंट। वही लिखा हुआ है कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ओनली टू टीयर सिस्टम, सिर्फ दो टीयर सिस्टम का था गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट। लेटर थर्ड टीयर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बाद में एक तीसरा टीयर इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एज फॉलोज। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है, टीयर फर्स्ट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा, जो कि प्रेजेंट में BJP है। टीयर टू में स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। थर्ड टीयर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज LSG इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स by such local bodies who have been elected by the local people. It includes both rural and urban government. The local self government क्या हो गया, बेसिकली जो local affairs, बहुत ही गाँव के स्तर पर local level पर जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उनको manage करना होता है local bodies के द्वारा। local bodies जो चुने जाते हैं वहीं के जो लोग होंगे, local people होंगे उनके द्वारा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या urban government हो। urban में आ गया municipalities और ग्रामीण में आ गया पंचायती राज। तो ये आपका हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट, क्लियर है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की, इसमें किस आधार पर इसको बनाया गया था, क्या उससे पहले कोई जिक्र था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे, तो आर्टिकल 40 जो कहता है, DPSP है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40 हमने पढ़ा था। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, सरकारें हैं, उनको क्या है कदम उठाना है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने का। एंड इंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी, और उनको इतना पावर और अथॉरिटी देना है, एज मे बी नेसेसरी, जो ज़रूरत हो टू इनेबल देम टू फंक्शन, ताकि वो सक्षम बन सके फंक्शन करने के लिए एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट के रूप में काम करने के लिए उसमें सक्षम हो, इतना उनका पावर देना है, अथॉरिटी देना है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है, कि गांधी जी का इन पर बहुत जोर था, पंचायती राज पे और लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब लोकल गवर्नमेंट क्या है, अब ये पूछ लेगा एग्जाम में कि 7th शेड्यूल में किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है। याद रखिएगा, जो आपका लोकल गवर्नमेंट है ये क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। क्या है स्टेट सब्जेक्ट, अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये 7th शेड्यूल में आता है, ठीक है। आर्टिकल 246 क्या कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसे पावर दिया गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटिंग में रिलेट करता हुआ कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके रिस्पेक्ट में कानून बना सकता है। इसलिए आर्टिकल आपका यह स्टेट सब्जेक्ट हो गया, लोकल गवर्नमेंट जो हो गया। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें, संवैधानिक दर्जा की बात करें जो दिया गया है, तो इसमें ऐड किया गया था, ओरिजिनली ये संविधान के अंदर नहीं था हमारे, इसे ऐड किया गया 73rd and 74th Amendment Act 1992 के तहत। 73rd and 74th Amendment Act 1992 के तहत ऐड किया गया इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन ऑपरेशन। तो प्रेजेंटली क्या है, दो तरह के लोकल गवर्नमेंट होंगे, एक होगा ग्रामीण क्षेत्र में, एक होगा शहरी क्षेत्र में, ठीक है। तो एक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज। तो पंचायती राज का मतलब क्या होता है, तो पंचायती राज लिटरली मीन्स रूल ऑफ 5 पंच या इति पंच है मतलब, एंड रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ विलेज काउंसिल्स दैट ट्रेडिशनली एग्जिस्टेड इन रूरल इंडियाज। तो पंचायती राज का लिटरल अगर मीनिंग देखें तो मतलब रूल बाई फाइव, ठीक है, पंचायती। और रिफर्स टू सिस्टम जो पहले के टाइम में ना विलेज काउंसिल का सिस्टम था ट्रेडिशनल इंडिया में, तो
उसी सिस्टम को यहाँ पे फिर से रिफ़र किया जा रहा है, विलेज काउंसिल बनाया जाए, गांव के लोग रहे, गांव के जो समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल। इनका एम क्या है? टू प्रमोट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट लेवल पे एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था को क्या करना, प्रमोट करना, ये इसका एम है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात करें तो ये क्या हो गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसे शामिल किया गया। अगर बात करें म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़ की, म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट इसे कहा गया। इट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच द इलेक्टोरेट गवर्न्स एन अर्बन रीजन। तो ये उस प्रोसेस को बताता है कि जिससे जो इलेक्टोरेट होगा वो एक मतलब इलेक्ट होकर लोग आएंगे और वो अर्बन रीजन को गवर्न करेंगे, यहाँ पे है ग्रामीण क्षेत्रों को, यहाँ पे अर्बन क्षेत्र को। एन अर्बन लोकल गवर्नमेंट कैन ओनली रेगुलेट एक्टिविटीज इन साइड अ गिवन अर्बन रीजन। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गए, म्यूनसिपैलिटीज जिसे कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन रीजन वाले रीजन को रेगुलेट करेगी, दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड, ठीक है। अगर बात करें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसे ऐड किया गया। तो 73rd से ऐड किया गया पंचायती राज और 74th से ऐड किया गया म्यूनसिपैलिटीज़ को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, वो देखते हैं। पहले देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस फेज, आज़ादी से पहले क्या कंडीशन था। द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप एट मद्रास इन 1687, ठीक है। तो 1687 में पहला क्या बना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना, फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना इंडिया का, कहाँ पे, मद्रास में सेट किया गया 1687 में, ठीक है। एंड 1726 द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वॉज वेयर सेटअप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता, ठीक है। 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेट कर लिया गया। लॉर्ड मायो से रिजोल्यूशन आया 1870 में, हिज रिजोल्यूशन फॉर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पेव्ड द वे फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय इनलार्जिंग देयर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो 1870 में लॉर्ड मायो का रिजोल्यूशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब पावर का विकेंद्रीकरण, पावर का डिविजन, सेपरेशन, उसका जो रिजोल्यूशन था, पेव्ड द वे फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या बना, रास्ता बना, जहाँ पे उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे, डिवाइड करेंगे और नीचे स्तर तक ले जाएंगे। तो यहाँ से एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट डेवलप होता है, रास्ता खुलता है। लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन याद रखिएगा 1870 में आया था। फिर आया रिपल्स रिजोल्यूशन इन 1882, ये साल भी याद रखिएगा क्योंकि एक क्रोनोलॉजी पूछता है, सिक्वेंस एग्जाम में आ जाता है, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो पहले लॉर्ड मायो, फिर देन रिपल। Often referred to as the Magna Carta of local democracy in India, तो by providing the much needed democratic framework of these institutions। तो इंडिया में लोकल डेमोक्रेसी का जो मैग्ना कार्टा कहा गया है, कार्टा कहा गया है, वो कहा गया रिपन के रिजोल्यूशन जो 1882 में आया। और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, जो इस इंस्टीट्यूशन के जो बेसिक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क था, जो ज़रूरत था, वो प्रोवाइड किया गया इसके द्वारा, ठीक है। All boards then existing were mandated to have a two-third majority of non-officers who had to be elected, and the chairman of these bodies had to be from among the elected non-officers. तो इसमें रिपन्स ने कहा रिजोल्यूशन में कि जितने भी बोर्ड्स है उसको ये मैंडेटरी कर दिया, कंपल्सरी कर दिया कि दो तिहाई मेजोरिटी होगा किसका, नन ऑफिसर्स का, जो इंडियंस होंगे उसकी दो तिहाई मेजोरिटी होगी हर बोर्ड में, जो इलेक्ट होकर आएंगे, और जो इस बॉडीज के चेयरमैन होंगे वो इलेक्टेड नन ऑफिसर्स के बीच में ही चेयरमैन बनेंगे। तो ये क्या हो रहा, ये यहाँ से हर बोर्ड में इंडियंस को शामिल किया गया, लोकल डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो ये था रिपल्स रिजोल्यूशन 1882 में, ठीक है। उसके बाद आता है 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। इसने क्या किया, इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायती एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर पंचायती राज को का जो महत्व था उसको इन्होंने क्या किया, इम्फेसाइज किया, महत्व दिया, ठीक है, 1907। फिर आता है 1937 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
वॉज ट्रांसफर्ड टू मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू न्यू प्रोविंशल लेजिस्लेचर। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ना, ये ट्रांसफ़र कर दिया गया और मंत्रियों के नाम से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार थे। ठीक है, फिर आया द म्यूनसिपल एक्ट ऑफ 1919 एंड डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपैलिटीज एक्ट ऑफ 2020 इन मद्रास गेव पावर टू द काउंसिल टू इलेक्ट देयर ऑन चेयरमैन एंड फ्रेम देयर ऑन बजट्स। जो म्यूनसिपल एक्ट ऑफ 1919 और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपैलिटीज एक्ट 2020, इसने क्या किया, मद्रास को ये पावर दिया कि मद्रास काउंसिल्स को पावर दिया कि वो अपना चेयरमैन खुद वो चुन सकता था एंड अपना बजट खुद फ्रेम कर सकता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट के रूप में। तो ये थे कहानी आपके प्री इंडस्ट्रियल फेज की। अब देखते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में पहले आएगा ईयर 1957 में, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमेटीज पूछेगा, तो याद रखिए बलवंत राय मेहता कमेटी, इनका आया 1957 में रिपोर्ट। गेट अपॉइंटेड दिस कमेटी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। एक्चुअली क्या था, 1952 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम वर्क करने के लिए। तो इसके वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए कमेटी अपॉइंट किया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी की। इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किया, रिकमेंडेड द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज। तो इन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम को रिकमेंड किया और अल्टीमेटली केम टू, जिसे बाद में कहा गया पंचायती राज कहा गया। पंचायती राज सिस्टम शुड कंप्राइज थ्री टीयर। जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें तीन टीम होगा इनके अनुसार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, बलवंत राय मेहता कमेटी के हिसाब से। एज द रिजल्ट ऑफ दिस, इसके अनुसार मेहता जी के बाद फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज इन इंडिया इज राजस्थान 1959 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो पहला राज्य बना इंडिया का जिसने पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया वो था राजस्थान, जो कि 1959 में किया गया, और उसके बाद जो दूसरा राज्य बना वो बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1957 के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ईयर 1977 में अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, इट वॉज सेटअप एंड टू स्ट्रेंथन सेटअप टू स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम जो डिक्लाइन हो रहा था उसको बचाने के लिए ये सेट किया गया। अब अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, रिकमेंड ए टू टीयर सिस्टम। यहाँ पर इन्होंने कहा कि टू टीयर सिस्टम होगा, कंप्राइजिंग द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पर जिला परिषद होगा, और मंडल पंचायत एट अ क्लस्टर ऑफ विलेज। बहुत सारे दो चार विलेज को मिला के एक मंडल पंचायत बनाया जाएगा। याद रखिएगा बलवंत राय मेहता कमेटी में थ्री टीयर रिकमेंड किया गया था, अशोक मेहता कमेटी में टू टीयर रिकमेंड किया गया था। एंड डिस्ट्रिक्ट वॉज सजेस्टेड एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बिलो द स्टेट लेवल। क्लियर है, डिस्ट्रिक्ट को क्या माना जाएगा, जो पहला पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन का वो माना जाएगा। ईयर 1984, फिर एक दूसरी कमेटी आती है, हनुमंता राव कमेटी। इसने क्या किया, रिपोर्ट सबमिट किया ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे, और एडवोकेट किया कि एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज हो अंडर आइदर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ए मिनिस्टर, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर या मिनिस्टर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी बने। ये हनुमंता राव कमेटी ने कहा ईयर 1984 में। ठीक है, फिर एक साल बाद ईयर 1985 में GVK राव कमेटी आती है। इन्होंने कहा कि इट ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस वॉज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो क्या होगा, उस पर क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी का बहुत दबाव हो गया है, मतलब बहुत उस पर कंट्रोल हो गया है। ठीक है, एंड डाइवोर्स्ड फ्रॉम द पंचायती राज, जो पंचायती राज से अलग हो गया है बहुत, मतलब पंचायती राज का इंपॉर्टेंस कम हो गया है। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि डिस्ट्रिक्ट एज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग, बेसिक यूनिट जहाँ पर प्लानिंग शुरुआत की जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट होगा, एंड जिला परिषद इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पैरामाउंट इंस्टीट्यूशन। और जिला परिषद क्या होगा, एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होगा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन का फ्रेमवर्क है उसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट किसका होगा, जिला परिषद का इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है,
फिर 1986 आता है, तो 1986 में एलम सिंघवी कमेटी इन्होंने रिकमेंड किया प्रोवाइडिंग मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत टू स्ट्रेंथन देम। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो पंचायती राज को ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है और संवैधानिक दर्जा भी देने की ज़रूरत है पंचायती राज को, ताकि उनको मजबूती मिल सके। फिर कुछ दूसरा कमिटीज़ भी आया, जैसे कि दंतावाला कमेटी रिपोर्ट 1978 में, इन्होंने ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात की। पीके ठंगवन कमेटी आया 1988, इन्होंने क्या रिकमेंड किया, थ्री टीयर स्ट्रक्चर विथ पंचायत एट द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर गडकिल कमेटी 1988 एंड हरलाल सिंह खरा कमेटी 1990, ये सब अलग अलग कमेटी है तो पंचायती राज के लिए बनाया गया था। अब देखते हैं पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि 1992 में आया था। रिकॉग्निशन की बात करें तो 73rd अमेंडमेंट इन द टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच हैज़ गिवन प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में जो 73rd अमेंडमेंट लाया गया, ये क्या, इससे क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, जिससे जो आर्टिकल 40 DPSP में कहा गया था कि स्टेट शुड इनकरेज पंचायती राज एस्टैब्लिशमेंट, तो उसको सेफ, प्रैक्टिकल सेफ मिला और यहाँ से पंचायती राज को रिकॉग्निशन मिला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक। ब्राउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अंडर द परव्यू ऑफ द जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे क्या बना दिया गया, जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया गया, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करना ही करना है, ठीक है। अगर बात करें शेड्यूल की बात करें तो 11th शेड्यूल वेयर एडेड, तो इसी अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया, 11th शेड्यूल ऐड किया गया, और इसमें कितने सब्जेक्ट मैटर है याद रखिएगा, 29 सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द पंचायत, 29 सब्जेक्ट मैटर है पंचायत के। पार्ट 9 भी ऐड किया गया, इट कंटेन प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ, 243 टू 243 ओ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थ्री टीयर सिस्टम, ठीक है, इस्टेब्लिश किया, इट इस्टेब्लिशेज अ थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट, हर राज्य में क्या होगा, थ्री टीयर सिस्टम होगा पंचायती राज का। तो ये आपका पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल का कंडीशन है। विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत होगा, ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, मतलब एक विलेज पंचायत का ग्रुप होगा जिसे ग्राम पंचायत कहा जाएगा, फॉर्म्ड बाई ग्राम सभा, ये ग्राम सभा द्वारा फॉर्म करेगी ग्राम पंचायत, और ग्राम सभा में क्या होंगे, सभी मेंबर उस गांव के जितने भी मेंबर हैं, ऑल वोटर्स ऑफ द विलेज, वो सभी क्या होंगे, इस ग्राम सभा के हिस्सा होंगे, और हेड होंगे इसके प्रेसिडेंट और सरपंच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सरपंच होंगे वही इसके हेड होंगे। ब्लॉक लेवल विलेज होगा यहाँ पे, ब्लॉक लेवल पे आएंगे तो क्या होगा, पंचायत समिति बनेगी, यहाँ पे क्या होगा, मेनी ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट जीरा, तो पंचायत समिति एक ब्लॉक पे एक पंचायत समिति होगी, इलेक्टेड बाई पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया, तो उस एरिया के जो पंचायत मेंबर्स होंगे, ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे, वो चुन के भेजेंगे पंचायत समिति के मेंबर्स को, ठीक है, और ब्लॉक पंचायत प्रेसिडेंट और BDO इसके हेड होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल बात करें तो होगा जिला परिषद, ये फॉर्म किया जाएगा बाई इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर ऑफ लोकसभा एंड MLA, ठीक है, तो मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे और इसमें जो लोकसभा या MLA होंगे, लोकसभा के मेंबर या MLA होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे, और जिला चेयरपर्सन जो होंगे वे इसके हेड होंगे। कुछ एग्जेम्पशन भी दिया गया कुछ राज्यों को, जैसे कि स्टेट विथ पॉपुलेशन ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, वह राज्य जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, मे चूज नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, तो वो चाहे तो जो इंटरमीडिएट लेवल है ब्लॉक लेवल का है, वो चाहे तो उससे स्किप कर सकती है, वो उसको चूज ना करें। हेंस पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट, सभी राज्य में है विद द एक्सेप्शन ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, तो याद रखिएगा तीन राज्यों में एक्सेप्शन है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, 20 लाख से कम है तो यहाँ पे बीच वाला ब्लॉक पंचायती समिति नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल UTs एक्सेप्ट दिल्ली, तो दिल्ली के अलावा किसी भी UTs में नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो ये भी क्या एक्सेप्शन है। फिर हम बात करें नेशनल पंचायती राज डे, इट इज़
सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है एवरी ईयर इन इंडिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि द डे मार्क्स द इनैक्टमेंट ऑफ द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992, क्योंकि इसी दिन 1992 के में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस, ठीक। अब देखते हैं की फीचर ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या है। तो पहला है आपका आर्टिकल 243A, ये बात करता है ग्राम सभा के बारे में। पहला डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन क्या है कि ए विलेज असेंबली कंप्राइजिंग ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द पंचायत एरिया, वह विलेज असेंबली एक असेंबली है जिसमें क्या होगा, जितने भी आपका वोटर्स जो उस है उस गांव में जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, इन द इलेक्टोरल रोल, वो सभी उसके मेंबर होने चाहिए, ठीक है, उसे कहा जाएगा ग्राम सभा। कैन परफॉर्म फंक्शन एज इंट्रस्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर देगी पावर देगी वो क्या करेगा, उतना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती है। ये है सिंबल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो एग्जांपल हो गया आपका ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, क्योंकि सभी मेंबर ही क्या है फैसला ले रहे हैं, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जितने उस मेंबर है जितने वोटर हैं वो सब के सब उसके मेंबर हैं और सब लोग बैठ के फैसला ले रहे हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243B का बात करता है थ्री टीयर सिस्टम के, प्रोवाइड्स फॉर अ थ्री टीयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रमोटिंग यूनिफॉर्मिटी, सब में क्या है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसलिए थ्री टीयर आपका सिस्टम है। स्टेट्स विद पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख में नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, वह राज्य जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ वो चाहे तो इंटरमीडिएट लेवल वाला जो आपका पंचायत समिति है वो स्किप कर सकती है, ठीक है। फिर आर्टिकल 243C ये बात करता है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, तो मेंबर और चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, तो ये कहा गया है यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन जो चेयरपर्सन होंगे उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल, जो विलेज लेवल का जो पंचायत लेवल के जो चेयरपर्सन होंगे उनका इलेक्शन प्रोसेस कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 243D ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मैंडेटरी रिजर्वेशन होगा किसके लिए, पंचायत में एट ऑल लेवल्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, तो एससी और एसटी जितना उनका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होगा उसी प्रोपोर्शन में उनका उनके लिए सीट्स भी रिजर्व की जाएगी सभी लेवल पर, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, याद ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज आल्सो प्रोवाइडेड इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटी इज आल्सो प्रोवाइडेड इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत, जो रिजर्वेशन है एससीज और एसटी के लिए वो भी क्या है प्रोवाइड की जाएगी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स ऑफ द पंचायत, ठीक है। पंचायत के जितने भी लेवल्स हैं सभी ऑफिस में जो चेयरपर्सन का होगा उसके लिए भी सीट रिजर्व किया जाएगा एससी और एसटी के लिए, तो हर जगह रिजर्वेशन है। मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन, और महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होगी इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो महिलाओं के लिए 1/3 है आपका सभी जगह है, जो एससी और एसटी का सीट रिजर्व होगा उसमें भी महिला एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व किया जाएगा। कन्फर्स पावर टू द स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास्ट इन एनी पंचायत और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, ये क्या है वॉलंटरी प्रोविजन है, अगर स्टेट चाहे वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान रख सकती है, ठीक है, तो ये क्या है वॉलंटरी है, वहाँ के राज्य सरकार पर डिपेंड करती है। फिर आर्टिकल 243E, आर्टिकल 243E में कहा गया है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में बात किया गया है,
कि 5 ईयर टर्म फॉर ईच लेवल ऑफ पंचायत, पंचायत के हर लेवल पे 5 साल का टर्म होगा, बट कैन बी डिजॉल्व बिफोर द टर्म्स एंड, लेकिन टर्म खत्म होने से पहले डिजॉल्व भी हो सकता है। न्यू इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द नेचुरल टर्म ऑफ 5 ईयर्स एक्सपायर, 5 साल का जो टर्म एक्सपायर हुआ उससे पहले हो जाना चाहिए, एंड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिजोल्यूशन, और उसके डिजोल्यूशन के 6 महीना के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिजोल्यूशन डज नॉट इन्जॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, अगर प्री मैच्योर डिजोल्यूशन हो गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो जो उसके बाद जो पंचायत फॉर्म होगा वो पूरा 5 साल इन्जॉय नहीं करेगा कार्यकाल को, बट रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, जो बचा हुआ पीरियड है सिर्फ उतने टाइम के लिए ही वो ऑफिस रहेगा, मतलब पूरा 5 साल उसको नहीं मिलेगा जो फिर से बनेगा। आर्टिकल 243F ये बात करता है क्वालिफिकेशन और एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, तो डिसक्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लॉज फॉर स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस और अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो डिसक्वालिफिकेशन का ये आधार होगा जो कानून बनाया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के लिए वही सब होगा, या कानून जो राज्य सरकार चाहेगी तो कानून बनाएगी, उस कानून बनाए हुए कानून पर डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है। जो मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन वो कितना है, वो है 21 ईयर्स, 21 साल है, 21 साल है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन शैल बी रिफर्ड टू द अथॉरिटी एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन का जो भी क्वेश्चन होगा वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास, वो डिसाइड करेगी। आर्टिकल 243G की अगर बात करें पावर्स एंड फंक्शन, तो स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड टू ग्रांट नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी, तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो ग्रांट नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है तो पंचायत को, सो दैट दे फंक्शन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा, तभी एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। और 11th शेड्यूल में इसीलिए 29 फंक्शनल सब्जेक्ट ऐड किया गया है, ऑल द आइटम्स हैव बीन डिवॉल्व बाय द स्टेट्स टू द पंचायत, ये सभी क्या है जो सब्जेक्ट है राज्य सरकार दिया, राज्य सरकार द्वारा दिया गया है पंचायत को, कि उस पर आप इस कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ले सकते हैं। जो आर्टिकल 243H है ये बात करता है फाइनेंसिस की, कि पैसा कहाँ से आएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास, तो स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथोराइज पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टॉल्स एंड फीस, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अगर चाहे तो ऑथराइज कर सकती है पंचायत को टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, लगा मतलब कोई टैक्स लगाना है कलेक्ट करना है, ठीक है, ड्यूटीज टॉल्स, तो वो सब कर सकती है। प्रोवाइड फॉर ग्रांट इन एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड कंस्टिट्यूट फंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इनको एड भी मिल सकता है, ग्रांट भी मिल सकता है, जो राज्य सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 243I बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, इसमें कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 ईयर्स बाय द गवर्नर, गवर्नर साहब क्या करेंगे हर 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। ऑथोराइजेस द स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ SFC, क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड मैनर ऑफ देयर सिलेक्शन, तो स्टेट लेजिस्लेचर को ऑथराइज किया गया है, पावर दिया गया है कि अगर वो चाहे कि SFC का क्या कंपोजिशन होगा, कितने मेंबर्स होंगे, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनके सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, ये सब डिसाइड कर सकती है, ठीक है। गवर्नर इंश्योर्स द रिकमेंडेशन ऑफ द SFC टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव ऑफ ए स्टेट, गवर्नर क्या इंश्योर करता है, द रिकमेंडेशन ऑफ द SFC टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो गवर्नर इंश्योर करेंगे कि जो SFC का रिकमेंडेशन आएगा उसको स्टेट लेजिस्लेचर में उसको प्रेजेंट करें। आर्टिकल 243J बात करता है ऑडिट्स एंड अकाउंट्स की, तो स्टेट लेजिस्लेचर में स्पेसिफाई द ऑडिट मैकेनिज्म फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या कर सकती है, स्पेसिफाई करेगी द ऑडिट मैकेनिज्म फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आर्टिकल 243K ये बात करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल लॉज एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी वो क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी किस चीज़ के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए, इलेक्टोरल लॉज का बनना या इलेक्शन कंडक्ट करवाना,
गवर्नर अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। जो गवर्नर है वो क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एंड डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। द मैनर एंड ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज सेम एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का ग्राउंड होगा इज सेम होगा हाई कोर्ट के जज के बराबर। द सिमिलर टू द रिमूवल मैकेनिज्म एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कैग। ठीक है, सारा कुछ सिमिलर होगा। ए स्टेट लेजिस्लेचर इज इम्पावर्ड टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स रिलेटिंग टू द पंचायती इलेक्शन। तो पंचायती इलेक्शन से संबंधित कोई भी अगर मुद्दा मैटर आता है तो इसमें स्टेट के पास पावर है उस पर कानून बनाने का, प्रोविजन बनाने का। आर्टिकल 243L ये बात करता है एप्लीकेशन टू यूटी। द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी विथ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इस एक्ट के एप्लीकेशन के बारे में किसी भी यूटीज को मतलब ये डायरेक्ट कर सकती है कि कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। आर्टिकल 243M बात करता है एग्जेम्प्टेड एरियाज की। डजंट अप्लाई टू नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। इसके अलावा शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, ट्राइबल एरियाज, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। शेड्यूल एरिया की बात करते हो, ये फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है एंड द ट्राइबल एरियाज ये दिया हुआ है सिक्स शेड्यूल में। ठीक है, पार्लियामेंट में एक्सटेंड प्रोविजंस टू एग्जेम्प्टेड एरियाज विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन। अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो एग्जेम्प्टेड एरियाज हैं वहाँ पर कुछ प्रोविजन के साथ, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ प्रोविजन को एक्सटेंड कर सकती है। और इसीलिए अंडर दिस प्रोविजंस पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट इन 1996 इनैक्ट किया गया, पेशा एक्ट इनैक्ट किया गया। कब? 1996 में। इसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कुछ मॉडिफाई करके इसमें इसको एक्सटेंड कर दिया, इसे कहा गया पेशा एक्ट इन 1996। फिर आर्टिकल 243O ये बात करता है बार टू कोर्ट इंटरफेरेंस, मतलब कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। द एक्ट प्रोहिबिट्स कोर्ट इंटरफेरेंस इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत एंड पंचायत के इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये बार किया गया है। एंड स्पेसिफाई दैट डी लिमिटेशन रिलेटेड टू द PRI कैनॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, और उसका जो डी लिमिटेशन होगा वो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इलेक्शन पिटीशंस प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटीज एंड इन सच मैनर्स एज प्रोवाइडेड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर। जो इलेक्शन पिटीशन है जो प्रेजेंट होगा इस अथॉरिटी के पास, वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर के पास डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस हैं अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, इसने क्या किया, बहुत सारे प्रोविजन को सेग्रेट किया, अलग अलग कर दिया एज कंपलसरी एंड वॉलंटरी। मतलब कुछ प्रोविजन को रखा कंपलसरी है कि सभी को फॉलो करना ही करना है, कुछ को रखा कि वॉलंटरी है, अगर देख लीजिए अगर हिसाब से करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। ठीक है, टू सूट द रिलेटिव कंडीशंस ऑफ ईच स्टेट, ताकि हर कंडीशन, हर राज्य का अलग अलग कंडीशन होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वॉलंटरी रखा गया, कुछ कंपलसरी रखा गया। अगर बात करें कंपलसरी प्रोविजंस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, तो ग्राम सभा तो सभी को बनाना है, ये कंपलसरी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर पंचायत का गठन होना है, ये भी कंपलसरी है। डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल सीट्स इन पंचायत एट ऑल लेवल, पंचायत के सभी स्तर पे सभी सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये भी कंपलसरी है। इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत के चेयरपर्सन का चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये भी क्या है, कंपलसरी। मिनिमम एज टू कंटेक्स्ट इलेक्शन 21 साल रखा गया, ये सभी के लिए रखा गया। रिजर्वेशन ऑफ सीट बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर SC ST ये भी कंपलसरी रखा गया। महिलाओं के लिए जो 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन था ये भी कंपलसरी है। फिक्सिंग अ 5-year tenure एंड होल्डिंग इलेक्शन विद इन 6 months इन द केस ऑफ प्री मैच्योर रिजर्वेशन, 5 साल टर्म फिक्स किया गया, और अगर प्री मैच्योर रिजर्वेशन होता है तो उससे पहले उसके बाद 6 महीने के भीतर इलेक्शन कराना, ये भी कंपलसरी रखा गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये सब क्या है, कंपलसरी प्रोविजंस। अब देखते हैं कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस। इन डोइंग विद ग्राम सभा विथ पावर्स एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल, तो विलेज लेवल पे जो पावर या फंक्शन प्रोवाइड करवाना है ग्राम सभा का, ये इसमें थोड़ा छूट दिया गया, वॉलंटरी प्रोविजन रखा गया। ठीक है, ये कितना पावर देना है, कितना फंक्शन देना है, ये डिसाइड करे राज्य अपना अपना।
डिटरमाइनिंग द मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन द पंचायत एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर जो पंचायत के चेयरपर्सन इलेक्शन होगा, अब इस पर क्या उनका तरीका होगा ये डिसाइड करे अपना राज्य, ये वॉलंट्री है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सीट्स का रिजर्वेशन है ये भी वॉलंटरी है, राज्य पर छोड़ दिया गया है, अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू मेक ऑटोनोमस बॉडीज, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ये पावर दिया गया, अथॉरिटी दिया गया, अगर वो चाहे तो एक ऑटोनोमस बॉडीज भी बना सकती है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपन पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान तैयार करें, उसके लिए ये किया गया। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत, पंचायत को ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर दिया गया, कितना देना है नहीं देना है ये सब वॉलंटरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंचायती, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996, पेसा एक्ट, हमने जस्ट देखा था कि जो आपका एग्जेम्प्टेड एरिया है वहाँ पे अब ये रूल्स लागू नहीं हो रहा था, तो इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया और उसका नया एक्ट लाया गया, पेसा एक्ट 1996। तो पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्निंग पंचायतीज डज नॉट अप्लाई टू फिफ्थ शेड्यूल एरियाज बट कैन बी एक्सटेंडेड बाई पार्लियामेंट विद एक्सेप्शन, तो वही बात है जो पार्ट 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पंचायती को गवर्न करने वाला पार्ट है वो फिफ्थ शेड्यूल वाले एरिया में लागू नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको एक्सटेंड कर सकती है, और इसीलिए आया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेसा एक्ट ऑफ 1996 बेस्ड ऑन द भूरिया कमेटी, किस कमेटी पे, याद रखिएगा भूरिया कमेटी पे, भूरिया कमेटी रिकमेंडेशन। प्रमोट्स ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल एरियाज, उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल एरियाज है वहाँ पर ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट किया गया। अब इसका क्या प्रोविजन था पेसा एक्ट का, तो पेसा एक्ट में कहा गया कि द पेसा एक्ट एस्टेब्लिशेज द ग्राम सभा एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन अ शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया के तहत शेड्यूल एरिया में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वो क्या होगा, वो ग्राम सभा ही होगी, ठीक है। इट सर्व एज अ फोरम फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिंग डेवलपमेंट प्लान्स एंड ओवरसीइंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, तो एक फोरम की तरह काम करेगा ग्राम सभा जो है, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो डेवलपमेंट प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या बनाना है नहीं बनाना है वो रिस्पॉन्सिबल उसकी हो, डेवलपमेंट प्लान्स क्रिएट करें, ठीक है। विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस द एक्ट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज टू द कम्युनिटी, इस एक्ट ने क्या किया, पेसा एक्ट 1986 ने मैंडेट कर दिया क्रिएशन ऑफ विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस, जो विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है उसके क्रिएशन को कंपलसरी किया गया, टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस टू द कम्युनिटी, ताकि कम्युनिटी को एसेंशियल सर्विस मिले, ठीक है। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड द ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एंड पंचायत समिति, तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत समिति ये तो आपको होना ही चाहिए, कंपलसरी कर दिया इसमें। पावर्स एंड फंक्शन की बात करें तो पेसा लेजिस्लेशन ग्रांट सिग्निफिकेंट पावर्स एंड फंक्शन टू द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को अच्छा खासा पावर मिल गया कंसर्निंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होगा वो कौन करेगी, ग्राम सभा करेगी, ग्राम पंचायत करेगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलेशन हो गया। कंसल्टेशन की बात करें तो एक्ट रिक्वायर्स द ग्राम सभा कैन बी कंसल्टेड बिफोर इनिशिएटिंग एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज इन द शेड्यूल्ड एरियाज, और इसमें बात कहा गया कि अगर उस क्षेत्र में शेड्यूल एरियाज में कोई डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट कर रही है सरकार, तो एक्ट में कहा गया कि ग्राम सभा से कंसल्ट करना पड़ेगा कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से पहले, ठीक है। फंड्स की बात करें तो द एक्ट अलाउज फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत टू सपोर्ट देयर फंक्शन, और इसी एक्ट में ये भी कहा गया कि फंड्स भी देने का प्रावधान रखा गया ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को, ठीक है। लैंड की बात करें तो पेसा प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन द शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज में जो ट्राइबल कम्युनिटीज होंगी उसके लैंड राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इट मैंडेट्स ऑब्टेनिंग देयर कंसेंट बिफोर एक्वायरिंग और ट्रांसफरिंग एनी लैंड, ठीक है। तो अगर कोई लैंड ट्रांसफर की बात हो रही है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा ग्राम सभा से। कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिस की बात करें तो एक्ट सेफगार्ड द कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन द शेड्यूल एरियाज एंड प्रोविड्स इंटरफेरेंस इन द प्रैक्टिसेस, तो उनके प्रैक्टिस में क्या है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और सेफगार्ड किया गया उनके कल्चरल और सोशल प्रैक्टिस को जो ट्राइबल कम्युनिटीज की है, ठीक है।
तो ये था आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की पूरी कहानी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटीज़, उसको खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, और लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।